वेलकम अंजुम के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस सब्जी, जो कि है मूली की सब्जी। आप तो मूली को पहचानते ही हैं क्योंकि हर कोई इसे अपने सलाद में यूज करता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसके फायदे मालूम नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ हम इसके जो पत्ते होते हैं इसे भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो जिस वक्त हमने मूली को खरीदा, इस तरीके से जब मूली को हमने खरीदा, हमने पत्तों के साथ लिया, तो ये मूली भी हमें मिल गई और सब्जी बनाने के लिए हमें पत्ते भी मिल गए। तो हमने इसे खूब अच्छी तरीके से धो लिया है, और धोने के बाद इसे हम बारीक बारीक सा कट करेंगे और मूली को भी इसी तरीके से साफ कर लेंगे, और इसे भी जिस तरीके से आलू को कट करते हैं हम कट कर लेंगे। लेकिन थोड़े से हम उससे पहले जान जाएंगे कि इसमें फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो बिल्कुल जाहिर है कि आपका इम्यूनिटी इससे बढ़ेगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तरीके से दोस्तों, ये जो मूली होती है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। हर दूसरे इंसान को आजकल जब भी सुनो कि थायराइड है, हाइपो है या हाइपर है, तो हाइपोथायराइड में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिनको हाइपो होता है कि इसे यूज़ करें, और जॉन्डिस के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जल्दी जल्दी से हम इसे पत्तियों को पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको जल्दी से हेल्दी सी सब्जी बनाना बताएंगे। बहुत अच्छी लगती है ये पराठों के साथ, हम तो अक्सर इसे सुबह के नाश्ते में देते हैं बच्चों को भी और अपने हस्बैंड को भी। वैसे तो अक्सर मूली के पराठे भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो सब्जी है बहुत जल्दी से बन जाती है झटपट से। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, हमने इसे बिल्कुल भी जिस तरह से सब्जी को कट करते हैं हमने इसे कट कर लिया। अब हम ले लेते हैं मूली को। तो मूली को हमें बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा कट नहीं करना है, सामने का पोर्शन निकाल देना है, और हम इस तरीके से इसका कवर नहीं निकालेंगे, हम बस उसे इस तरीके से साफ कर लेंगे ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये लीजिए, हमने दोनों मूली को साफ कर लिया। बस अब हम इस तरीके से उसके कर लेंगे उसे आधा, और ऐसा कर लेंगे इसे बीच में से, आलू की तरह काटना है, गोल गोल भी आप काट सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से काट रहे हैं ताकि जल्दी से ये गल जाए। ये लीजिए, बारीक बारीक सा सब्जी जैसा ये जो है पत्ती कट गई है मूली की। यहाँ पर मूली भी हमने कट कर लिया है, यहाँ पर हमने प्याज को भी कट कर लिया है, जो मीडियम साइज दो अदद थी, और ये तो आप ही डिपेंड करता है कम और ज्यादा करना। यहाँ पर चार पांच हरी मिर्ची को भी इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो टोटल 5 मिनट में दोस्तों सारी चीजें कट गई, और 5 मिनट में हम पकाएंगे, बघारेंगे, तो 10 मिनट में आपकी हेल्दी सी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसे बघारने के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है गैस ऑन करके, और हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए फिर से एक हेल्दी सी चीज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे उड़द की दाल। तो उड़द की जो दाल होती है वो ठंडी भी होती है और आपके इंटेस्टाइन को भी चिकना करती है। तो ये हमने डाल दिया, जैसे ये पिंक हो जाएगी, सिर्फ उसे पिंक होने देंगे, प्यारी सी सोंधी सी खुशबू आ जाती है उसमें। तो जैसे ये आएगी तो हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज के साथ हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्याज को लाल नहीं करना है, बस प्याज की खुशबू और हरी मिर्ची की जो है एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। बस हम इतना ही इसे सॉटे करेंगे, समझे बस कुछ सेकंड के लिए, 30-40 सेकंड के लिए। तो ये देखिए, हमने इसे 1 मिनट तक इस तरीके से चलाया, बहुत प्यारा सा कलर जो है उड़द दाल को भी आ गया है, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू प्याज की और हरी मिर्च की आ रही है। हम यहाँ पर अपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करते हैं ताकि ये जले नहीं, और हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी डाला हमने इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मूली, ये सारी मूली भी इसमें चली गई, साथ ही में चले जाएंगे उसके पत्ते, फिर पत्ते भी चलेगा। एक बार इसे अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे, फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वैसे तो इसमें खुद अपना पानी होता है, लेकिन थोड़ा मूली होती है सख्त होती है, तो थोड़ा गल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ज्वार की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ और रागी की रोटी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एकदम हेल्दी वाला। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि रागी की रोटी वगैरह कैसे बनाई जाती है, और ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी तो हर किसी को आता ही बनाना, मैं आपको खास तरीके से रागी की रोटी बनाना बताऊंगी।
तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मूली के मुताबिक 1/2 टीस्पून नमक, और इस पे हम डाल रहे हैं बहुत ही कम 3-4 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि जो मूली है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिला दिया पानी डालने के बाद, और बस 1 मिनट थोड़ा सा हम इसे हाई फ्लेम पे पकाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से भाप आ गई है, बस हमें ये भाप का ही इंतजार था। तो जैसे ये भाप आएगी हम अपने फ्लेम को कर देंगे लो, और हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करके हम इसे 5 मिनट तक स्लो आंच पे गलने देंगे, और उसके बाद पानी भी सूख जाएगा और जो मूली है वो भी गल जाएगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पर हो गए हैं 5 मिनट इसे एकदम भी लो फ्लेम पे पकते हुए, और पानी पूरी तरीके से सूख गया है। देखिए ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सा निकल के आ गया है, और ऑलरेडी हमने बहुत ही कम इसमें तेल का इस्तेमाल किया था, सिर्फ 1 ही चम्मच डाला था इसमें, और ये जो मूली है ये बिल्कुल भी गल चुकी है। ये देखिए ये गल चुकी है। तो चलिए इसे हम करते हैं डिश आउट। तो हमने इसे निकाल लिया है, बस आप इसे गर्मा गर्म सब्जी को गर्म गर्म फुलकों के साथ नौश फरमाइए। दोस्तों वैसे तो जैसे हमने आपसे कहा कि ज्वार की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसी के भी साथ इसे खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्जी है ये। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।